नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, आज हम मुजफ्फरनगर के दुधहड़ी, जो कि मंसूरपुर के पास में पड़ता है, जो कि मंसूरपुर मील भी है, जो कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और मेरठ रोड पे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गांव पड़ता है, दुधहड़ी गांव में है, अरुण भाई जी के पास में। दोस्तों, इनके पास में जो हैं ये पहलवान जोटी हैं, जो कि 8 महीने और 9 महीने की गाभण है, और सामने जो है भैंस हैं, और इनमें से एक झोटी और एक भैंस जो है सेल में है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनकी घर की पाली हुई दोनों झोटी हैं, जो कि 8 महीने और 9 महीने की गाभण है। देख सकते हैं साइज के हिसाब से और बनावट से काफी साफ है दोनों। और ये भैंस है, और एक भैंस ये भी है। आ जा। और दोस्तों, दो बच्चे इनके पास में और तैयार हो रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं। आ जाओ जी भैया, एक बार यहीं आ जाओ। नमस्कार जी भैया, आपका परिचय हो जाए एक बार पूरा। मैं अरुण राठी, गांव दुधहड़ी जी, मुजफ्फरनगर, मंसूरपुर मुजफ्फरनगर, यूपी इंडिया। तो जी, पशु बिकाऊ है कोई सा? हाँ, ये वाला बिकाऊ है। अच्छा, ये कौन से ब्यात में है जी? ये आपका तीसरे ब्याह होगी जी। अच्छा, तीसरे ब्याह आएगी। हाँ जी। तो ये मतलब पहलवान सी आपके पास है? हाँ जी। तो कितना दूध बनाया है जी इसने दोनों ब्यात में? इनने 15 लीटर दूध से पर कटवाया जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये, अच्छा अब ये मतलब कितने दिन में ब्यात्र है जी? अभी से 2 महीना लग रहा है जी। तो भैया जी, दो ब्यात में इसने 15 लीटर दूध बनाया। हाँ जी। शुरू के ब्यान में तो इन्हें 12-13 लीटर दूध कटवाया था, पिछले ब्यान में 15 लीटर दूध बच्चे से अलग कटवाया जी। जी, तो मतलब अब ये कितने दिन में ब्याने वाली है? अभी तो जो मान रहे थे मतलब, या कम से कम 20-25 दिन के आसपास कम से कम लेगी। अच्छा, 20-25 दिन लेगी। हाँ। तो प्राइस तो फोन पे बताओगे? हाँ जी, फोन पे बता। ठीक है जी। और ये वाली किसन देने के जी? अच्छा, ये अभी कौन से ब्यात में है? ये आपका दूसरे ब्याह भी दान पर चार हुई। अच्छा, ये भी घर की पाली हुई कटिया? घर की पाली हुई, इसने पिछले पहलवान ने ही 15 लीटर दूध कटवाया। बिल्कुल। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब के दूसरे ब्याह की साइज बहुत बढ़िया है, थनों की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और जो ये बिकाऊ भैंस है देखो, इसकी भी जड़ थन की क्वालिटी काफी अच्छी है, चारों थन बहुत बढ़िया है, काफी अच्छी जड़ इसकी खुल के जाती है, हमने पहले देखी हुई है। और ये आपस में माँ बेटी है जी? अच्छा, ये दूसरी भैंस की। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सिंगार जो है कम मिलता है, देखो सिंगार जो है बिल्कुल घूम के यहीं आया है, बहुत अच्छी तरह से चले। भैंस की जो है चौड़ाई काफ़ी भैंस की है, भैंस क्या है अभी तो झोटी है ये, करीब 3-4 बार भी आने के बाद में भैंस बनेगी। दोस्तों ये बिकाऊ नहीं है, और जिन भाइयों को ये भैंस लेनी है जो कि तीसरे ब्यात में है, अब संपर्क कर सकते हैं, मैं भाई जी का फ़ोन नंबर दे दूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों, इन दोनों झुटियों में से ये वाली झुटिया बिकाऊ है, ये लवे लग रही है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से जड़ निकालने शुरू करी है, और दोस्तों बहुत ही शो क्वालिटी में जड़ जाएगी इसकी, और साइज भी इसका काफी अच्छा रहेगा। झुटी का दांत तो दो ही है ये अभी, और इसके भी प्राइस आपको भैया जी फोन पे ही बता देंगे, मैं फोन नंबर दे दूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए।